बुखारी में है, अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया मैं कयामत के दिन अपने हौदे कौसर पर हूंगा, तुम लोगों का पेश खेमा होगा, जो शख्स वहां आएगा वो इसमें से पिएगा और जो एक मरतबा हौदे कौसर का जाम पी लेगा दोबारा उसको प्यास नहीं लगेगी। लोग आ रहे होंगे, मैं उनको पहचानता हूंगा, वो मुझे पहचानते होंगे। नबी अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे सवाल हुआ था, आपने फरमाया वजू की वजह से इनके हाथ, इनके पांव, इनके चेहरे, इनकी बाजुएं चमक रही होंगी, मैं इनको पहचान लूंगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो कौम मेरे पास आएगी, मेरे और इनके दरमियान रुकावट खड़ी कर दी जाएगी, और एक रिवायत में है कि दुर्रे मारकर उनको दूर कर दिया जाएगा। मैं कहूंगा उम्मती उम्मती, ऐ फरिश्तों ये मेरी उम्मत है, ऐ अल्लाह ये मेरी उम्मत है, मैं इनको हौदे कौसर में पानी पिलाने के लिए बैठा हूं, इनको दूर क्यों किया जा रहा है, रुकावट खड़ी क्यों हो रही है? सुनिए सुनिए सुनिए, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाएगा या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, ऐ नबी आप नहीं जानते आपकी वफात के बाद इन्होंने आपके दीन मोहम्मद में क्या क्या तब्दीली कर दी, आप नहीं जानते। वफात के बाद भी आपको इल्म गैब नहीं है, आप नहीं जानते। इन्होंने आपके दीन में क्या तब्दीली की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे सोहकन 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 लिमन गैरा बादी, जिन्होंने मेरे दीन को बदल डाला आज मेरी आंखों से दूर कर दिया जाए। मैं आपसे सवाल करता हूं, एक साहब को तकलीफ हुई, कहने लगे हदीस सुनो। क्या हदीस? ओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैदान महशर में मैं हौजे कौसर के सामने रहूंगा, पास रहूंगा, लोगों को जामे कौसर पिलाऊंगा, कुछ फरिश्ते चंद लोगों को घसीटते हुए जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे अरे ये मेरे साथ उठे बैठने वालों को कहां ले जा रहे हो? तो फरिश्ते कहेंगे या रसूल अल्लाह आप नहीं जानते कि आपके बाद इन्होंने क्या क्या बिदत है, क्या क्या गुमराहियां की हैं, इसलिए ले जा रहा हूं। देखो फरिश्ता कह रहा है या रसूलुल्लाह आप नहीं जानते, अगर फरिश्ता कह रहा है कि आप नहीं जानते तो गद्दा कैसे हुए? ये हदीस पेश करते हैं, अपर चैम्बर खाली है, जुबान पे जो रख दिया गया वही लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, उसका सीधा कनेक्शन विजडम से नहीं है, न ऊपर विजडम है न नीचे विजडम टीथ है, ऐसे अल्फाज है जिसमें सिर्फ टीथ है। आप गौर फरमाए, मैंने कहा इसी हदीस से इल्म गैब साबित होता है, इसी हदीस से इल्म गैब साबित होता है। फरिश्तों ने कहा या रसूलल्लाह आप नहीं जानते आपके बाद क्या क्या इन्होंने जलालतें की हैं। सबसे बड़ी जलालत तो ये कि जलालत ही का नाम हिदायत रख दिया। बड़ी बड़ी जलालतें की हैं, उनमें जलालत यह है कि जलालत ही को हिदायत समझते हैं। आपके बाद इन्होंने बड़ी बड़ी गुमराहियां की हैं, आप नहीं जानते। मैंने पूछा ये फरिश्ते कब कहेंगे? कहा महशर में कहेंगे। और मैंने कहा नबी कब कह रहा है? मदीने में कह रहा है। अभी नबी मदीने में है और महशर का वाकया बयान कर रहे हैं, मैं कौसर पे रहूंगा ये गायब है, मैं कौसर का जाम पिलाता रहूंगा ये भी गायब है, फरिश्ते सामने से कुछ लोगों को ले जाएंगे ये भी गायब है, और फरिश्ते कहेंगे या रसूल अल्लाह आप नहीं जानते, ये नबी पहले ही से जानते हैं।